हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। एक आवश्यक सूचना, मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट का कोई भी सलाह मेरा नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों आगे इस शेयर पे चर्चा करते हैं। विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका कि नाम ही है विकास, तो काम भी विकास होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। इसका मार्केट कैप 8,006 करोड़, करेंट प्राइस 5.60 रुपया, जो कि आज घटा है रेट -2.61%। 52 वीक का हाई लो 7.05 रुपया, 2.66 रुपया, बुक वैल्यू 2.31 रुपया, डिविडेंड पे नहीं करती है शेयर और फेस वैल्यू 1 रुपया है, ROE माइनस में है। एक साल का चार्ट देखेंगे तो कुछ ठीक नहीं, मतलब कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और इसमें प्रोज और कॉन्स, प्रोज 4 है और कॉन्स 3, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कॉन्स कुछ खास है नहीं लेकिन प्रोज जो भी है अच्छा है। पीयर्स कंपैरिजन अगर देखते हैं तो टोटली 108 कंपनी है, जिसमें मेन रूप से अडानी इंटरप्राइजेज, मैनकाइंड फार्मा, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, MMTC, रेड टैप, PDS, सभी का PE दिखाए हुए है लेकिन विकास लाइफ केयर लिमिटेड का PE नहीं दिखा रहा है अभी। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2023 में इसका नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का और EPS 8 पैसा, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेहतर रहा है, पिछले क्वार्टर में माइनस में था। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो रिजर्व इसके पास 187 करोड़ है और बोरोइंग मात्र 30 करोड़ का। टोटल एसेट 455 करोड़ का हो चुका है, कैश फ्लो प्लस में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 11.40% है और पब्लिक के पास में 88.59%, FIs के पास में 0.02%। शेयर होल्डर्स यानी कि टोटल शेयर होल्डर्स है 451,287। इसमें तत्काल का तो कुछ खास न्यूज है नहीं लेकिन BSE पर देखते हैं तो इसमें विकास लाइफ केयर लिमिटेड को ASM स्टेज 1 में रखा गया है, यानी कि SEBI इस पर निगरानी रखे हुए है। मेरा माने तो हमको लगता है कि 2-4 दिन तक ये कंसोलिडेट करेगा प्राइस, लेकिन इन्वेस्टमेंट का कोई भी मेरा सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार ही करें। अब देखिए यहाँ पर 52 वीक का हाई और लो 7.05 रुपये और 2.66 रुपया। अपर प्राइस बैंड 6.14 रुपया और लोअर प्राइस बैंड है
5.04 रुपये, यानी कि अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने पर इस तरीके का रेट पर पहुंचा जा सकता है। इसमें EPS TTM मतलब लास्ट 12 मंथ का तो -1 पैसा है, जो कि BSE के चार्ट पर दिखा रहा है, तो लास्ट 12 मंथ का है। लास्ट का न्यूज है एनुअल रिपोर्ट जो जारी किया था 10/9/2023 को, बस और कुछ खास है नहीं अभी। अगर कोई खास न्यूज आएगा तो अप टू डेट पक्का किया जाएगा। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने सूझबूझ के अनुसार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।